देश के अंदर सोना और चांदी इन दोनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर आज सोने की कीमत में बड़ा उछाल आया, चांदी की कीमत में भी उछाल आया और अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच करके सोना 10 ग्राम 66,800 रुपए पर पहुंच चुका है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो 74,350 रुपए किलो पर चांदी भी पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इनकी रेट कम नहीं होती हुई नजर आएगी, ऐसा बाजार बताते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अभी क्या कुछ अपडेट सामने आई है सोने और चांदी को लेकर के और आने वाले दिनों में क्या बदलाव हो सकते हैं, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाएंगे हमारी ये रिपोर्ट में। देश के अंदर सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। इसके बाद में भारत में सोना अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार की बात करें तो जयपुर के सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर के 66,800 रुपए पर पहुंच गई। इस तरह चांदी प्रति किलो की कीमत पर बढ़कर के 74,350 पर आ चुकी है। सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 66,800 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 62,700 रुपए पर पहुंच गई, जबकि सोना 18 कैरेट की बात करें तो 52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत बढ़कर के 74,350 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। जयपुर सर्राफा एसोसिएशन के राकेश खंडेलवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ ही भारत में भी सर्वे चल रहे हैं, इसकी वजह से बाजार में सोने और चांदी की काफ़ी डिमांड है। यही कारण है कि सोने और चांदी की कीमत दिनों दिन बढ़ रही है, जिस पर फिलहाल अंकुश लगने की कम संभावना नजर आ रही है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।